मुझे पीसी के अंदर खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन क्या हो अगर मैं अगले 7 दिन तक लगातार पीसी के अंदर गेम खेलता हूँ तो क्या हमारा गेम प्ले बड़े पीसी प्लेयर की तरह हो पाएगा? यही जानने के लिए मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर डे 1 से लेकर डे 4 तक लगातार BR सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर प्रैक्टिस करी थी। यानी कि अभी मैं 2 दिन यानी कि डे 5 और डे 6 को और प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और डे 7 को हम लोग कुछ चैलेंजेस को कम्प्लीट करने वाले हैं जो कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने दिए हुए हैं। अब डे 1 से डे 4 तक क्या क्या हुआ आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर तो देख लिया होगा। हम लोग इस एपिसोड को फटाफट से डे 5 से शुरू करते हैं। डे 5 के पहले गेम के अंदर मैं मेज के ऊपर उतरा था, यहाँ पर एक एनिमी पीक के ऊपर चढ़ा हुआ था जो कि सैंडोने का यूज करके चढ़ा था। उस एनिमी के हेड पे एम लेके उस एनिमी को बहुत ही इजीली डाउन तो करता हूँ, लेकिन जैसे मैं थोड़ा बहुत आगे गया था ऊपर से एक एनिमी मेरे को डैमेज देने लगता है। पहले मुझे लगा वो एनिमी वापस से रिवाइव हो गया, लेकिन जैसे मैं इस एनिमी के हेड पे एम लेके इस एनिमी को फिनिश करता हूँ, यहाँ पर मालूम पड़ता है मेरे को 2 किल मिल चुके हैं। अब हील करने के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया था कि एकदम से एक लड़की मेरे पे ताचो का यूज करके रश करती है। उस एनिमी को मैंने बहुत सारे हेडशॉट मार के सोनिया तो बना दिया था, लेकिन मेरे पास ग्लूवल थी नहीं। वो तो शुक्र है कुछ देर बाद ये लड़की खुद ही डाउन हो जाती है, वरना मेरे को खत्म कर देती। ये तो फिनिश हो गई थी। थोड़ा बहुत आगे गया था कि मेरे सामने एक एनिमी था, उस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ। जैसे मेरे सामने आता है उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली एक्समेट की मदद से हेडशॉट से डाउन तो कर दिया था, लेकिन इतने एक एनिमी कोने से और रश करता है। उस एनिमी को एमिटेशन की मदद से मैंने 1 टैप से डाउन कर दिया था। इतने में यहाँ पर इन एनिमीज को फिनिश करके हील करने जा ही रहा होता हूँ, एंड जैसे मैं हील कर रहा था एकदम से एक एनिमी पता नहीं पीछे से कहाँ से आता है और मेरे को बहुत ही इजीली डाउन कर देता है। यहाँ पर मेरी किस्मत तो देखो, मेरे पास ओरिजिनल भी था और मेरे सामने एक ग्लूवल भी लगी हुई थी। मैं फटाफट से ओरिजिनल की मदद से रिवाइव हो गया था और ताप्से का यूज करके इसी एनिमी के ऊपर रस करता हूँ। अब इस पे लॉन्चर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से अपने पर ही फोड़ देता हूँ। पीछे से एक और एनिमी आ गया था, उस एनिमी को एक्समेट की मदद से बहुत ही इजीली हेडशॉट डाउन कर दिया था। फिनिश करने के बाद थोड़ा नीचे आ गया था जहाँ पर कुछ एनिमीज फाइट कर रहे थे, उनमें से एक एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट डाउन करता हूँ। अभी मेरा ध्यान जाता है मल्टी विंडो से एक और एनिमी कूद रहा था, उस एनिमी को भी बॉडी शॉट एंड हेडशॉट से मैंने डाउन कर दिया था। अब आप लोग देखना मेरे साथ कितना गंदा मोय मोय होने वाला है। पीछे से एक और एनिमी आता है, उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली हेडशॉट की मदद से डाउन कर दिया था। अब इनके आखिरी वाले एनिमी को ढूंढते हुए नीचे गया था कि इतने मेरे को मालूम पड़ता है आखिरी वाला एनिमी गाड़ी लेके आ रहा है। मेरे को लगा मेरे को ठोक ही नहीं पाएगा, लेकिन वो एनिमी मेरे को गाड़ी से उड़ा देता है। अब सभी एनिमी को जो कि मैंने हेडशॉट से मारा, तो इस एनिमी को भी हेडशॉट से मारने की कोशिश कर रहा था। पहले तो बॉडी लगता है, लेकिन बाद में जाके मैंने इस एनिमी को हेडशॉट भी मार दिया था। मैंने फटाफट से ग्लूवल लगा ली थी और इस एनिमी को डैमेज देने के लिए मैं इसके टीममेट के ऊपर कूदने की कोशिश तो करता रहता था, लेकिन ये एनिमी आयरिस का यूज करके उल्टा मेरे को फिनिश कर देता है। अगर इन सभी एनिमीज को मैं हेडशॉट से फिनिश कर देता तो मेरा बहुत ही बढ़िया ओरा बन जाता, लेकिन उल्टा इन लोगों ने मेरा ओरा माइनस करा दिया। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 5वें दिन तक मैं बहुत ही बढ़िया खेलने लग गया था। जैसे ही मेरे को कोई भी एनिमी दिखता मैं उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट मार पा रहा था। जैसे कि इस गेम के अंदर मैंने एक एनिमी को तो फिनिश ले था, मेरे सामने से एक एनिमी डैमेज दे रहा था। उस एनिमी को देखने गया तो इतने पीछे से एक और एनिमी आता, उस एनिमी को मैंने हेडशॉट से बहुत ही इजीली डाउन कर दिया था। अब थोड़ा बहुत आगे जाके हील कर ही रहा था, एकदम से एक एनिमी मेरे पे रश करता है, उसको मेरी लोकेशन मालूम ही नहीं थी, इस वजह से मैं उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूं। अब जैसे इस एनिमी को फिनिश करने पहुंचा था, एक और एनिमी के फुटस्टेप आते तो फटाफट से उसी एनिमी को ताप्से का यूज करके रश करता हूं एंड उस एनिमी को भी हेडशॉट से डाउन कर देता हूं। अब खेलते खेलते मेरे को सोलो वर्सेस स्क्वाड की बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मैं स्क्वाड को भी आसानी से क्लच कर सकता था। इसीलिए इस गेम के अंदर मैंने हिटलिस्ट ली थी, मेरे सामने हिटलिस्ट वाला एनिमी रहता तो ताप्से का यूज करके उसी की तरफ बढ़ता हूं, एंड एनिमी मेरे सामने था तो मैं उस एनिमी को थोड़ा बहुत बॉडी शॉट एंड हेडशॉट की मदद से बहुत ही इजीली डाउन कर देता हूं। अब इस एनिमी को डाउन करने के बाद इसको फिनिश लेने जा ही रहा था, तब मेरे को मालूम पड़ता है यहां पर इसके टीममेट्स भी हैं, तो मैं ताप्से का यूज करके पहले तो घर के अंदर आ गया था। अब खिड़की से कूद के इसके टीममेट को डैमेज देने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जैसे टीममेट मेरे सामने आता है मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है, उल्टा मैं उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाया। जैसे हील कर रहा था मैं सोचता हूं पहले अपना किल कंफर्म करना चाहिए। अब मैं अपना किल क्लियर करने पहुंचा था, एकदम से हमारे सामने से एक और एनिमी आता था। अब सामने भी एक एनिमी था और पीछे से भी डैमेज पड़ रहा था। पहले तो सामने वाले एनिमी को बहुत ही इजीली मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था, लेकिन ये ओरिजिनल की मदद से रिवाइव हो रहा था, तो फटाफट से इस एनिमी को मैं फिनिश ले लेता हूं। अब इनकी स्क्वाड का तो आखिरी एनिमी बचा था, उसकी तरफ ही बढ़ता हूं एंड उस एनिमी को पहले तो थोड़ा बहुत बॉडी शॉट लगता है एंड आखिरी में हेडशॉट से इस एनिमी को मैंने फिनिश कर दिया था, और इसी के साथ यहां पर इन एनिमीज की टीम वाइप आउट हो चुकी थी। अब मैं कितना भी अच्छा गेम खेलूं, लेकिन सोनिया दिमित्री वाली स्क्वाड के सामने मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। इसी गेम के आखिरी जोन तक मैंने पूरे 15 किल कर लिए थे और मेरे अलावा पूरी एक स्क्वाड बची थी। पहले तो मेरे को लग रहा था ये अलग अलग स्क्वाड के बंदे, इसलिए मैं जोन के अंदर आराम से इंतजार कर रहा था। अब जैसे एक एनिमी जोन के अंदर आ रहा था, उस एनिमी को पहले एक बॉडी एंड हेडशॉट मैंने बहुत ही इजीली डाउन कर दिया था। इतने में एक एनिमी मेरे पास में आ गया था, उस एनिमी को मैंने बहुत सारा डैमेज तो दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखो, एक तो मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी और यहाँ पर 3 बंदे एक साथ रश करते हैं। एक एनिमी को मैंने हेडशॉट से डाउन भी कर दिया था, लेकिन यार ये एनिमी मेरे को बहुत ही इजीली डाउन करके फिनिश कर देते हैं। लेकिन 5वें दिन से लेकर 6 दिन तक मैं इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करता हूँ कि अब कैसी भी स्क्वाड मेरे सामने है मैं बहुत ही इजीली स्क्वाड को फिनिश कर पा रहा था। जैसे कि आप लोग किसी गेम के अंदर देखो, मेरे सामने एक एनिमी गाड़ी लेके आता है और एक एनिमी को गाड़ी से उड़ा भी देता है। मैं ताप्से का यूज करके इन एनिमीज के ऊपर रश करता हूं। मेरे सामने एक एनिमी था, उस एनिमी को मैंने हेडशॉट मारता, लेकिन वो एनिमी गाड़ी के अंदर वापस बैठ जाता है, तो उसके हेड पे एम लेके मैं फायर करता रहता हूं एंड आखिर में जाके उस एनिमी को हेडशॉट से डाउन भी कर देता हूं। अब जैसे मैंने इस एनिमी को डाउन करा था, एकदम से वो एनिमी पीछे से आता था जिसको उसने गाड़ी से उड़ाया था, उस एनिमी को मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था। इतने में यहां पर और भी एनिमी आ चुके थे और मेरा किल चोरी ना हो जाए, फटाफट से पहले तो मैं अपना किल कंफर्म करता हूं एंड ताप्से का यूज करके एक और एनिमी के ऊपर रश किया था। जैसे ही एनिमी मेरे सामने आता, पहले तो इस एनिमी को बॉडी बॉडी लग रहे थे,
देता हूँ फटाफट से इसी एनिमी के ऊपर रश करता हूँ एंड वापस से इस एनिमी को बॉडी बॉडी लगता है, लेकिन आखिर में इस एनिमी को हेडशॉट पड़ गया था। इसे डाउन करने के बाद पहले तो मैंने इसी एनिमी को फिनिश करा था और थोड़ा ऊपर की साइड जा रहा था, एकदम से एक और एनिमी मेरे को डैमेज देना शुरू करता है एंड इस एनिमी को पहले बॉडी एंड फिर आखिर में हेडशॉट से फिनिश कर देता हूं। और यानी कि यहां पर इन एनिमीज की भी टीम वाइप आउट हो चुकी थी, यानी कि मिनटों में मैंने इन एनिमीज को खत्म कर दिया। अब यहां पे देखो क्या होगा, मैं जोन के अंदर जा रहा था और कुछ एनिमीज ने मेरे ऊपर हिट लिस्ट ले ली थी। पहले तो मेरे को लग रहा था यहां पर मेरा गेम समाप्त हो चुका है क्योंकि ये एनिमी मेरी गाड़ी जला देंगे और मेरे को जोन के अंदर भी नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं गाड़ी को घुमा फिरा के एनिमीज के पास में लेके चला गया था और एक एनिमी को गाड़ी से उड़ा भी देता हूं। फटाफट से गाड़ी से उतरा था और इस एनिमी को मैंने जल्दबाजी में मिनी यूजीआई से डाउन कर दिया था। मेरे पास में इनकी पूरी स्क्वाड थी, इसलिए फटाफट से पहले तो मैं अपने किल को फिनिश कर देता हूं। किल को फिनिश करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया था, मेरे को यहां पर फुटस्टेप आ रहे थे तो तासे का यूज करके मैं एनिमी के ऊपर रश करता हूं एंड उस एनिमी को मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था। यहां पर इनका एक टीममेट ट्रक चला रहा था और मैं अपने किल को जैसे फिनिश कर रहा था वो मेरे ऊपर रश कर रहा था और मैं यहां पर जैसे करके बहुत ही बढ़िया तरीके से बच गया था ट्रक से। इतने में यहां पर इनका एक और टीममेट मेरे पर रश कर देता है एंड वो फटाफट से छत के ऊपर आ गया था। अब जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा था यहां पर एनिमीज को देख ही रहा था, मेरे को मालूम पड़ता है एक एनिमी मेरी गाड़ी लेके भागने की सोच रहा होता है। अब गाड़ी में हेड मारना तो बहुत ही सिंपल है, इसके हेड पे एम लेके फायर करता रहता हूं एंड ये एनिमी आगे चल के हेडशॉट से डाउन भी हो जाता है। फटाफट से इस एनिमी को भी फिनिश करता हूं। यहां पर एक एक करके मैंने इनके सारे टीममेट फिनिश कर दिए थे। अब आखिरी का एक ही एनिमी बचा था। पहले जिन स्क्वाड से बच के भागने की मैं सोच रहा था, यहां पर गेम पूरा उल्टा हो चुका था। जो बंदा मेरे को मारने आया था अब ये एनिमी मेरे से बच के भागना शुरू कर देता है और ये वाला एनिमी तो इतना तेज भाग रहा था रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था, भागता रहता और आगे चल के जोन से ही एलिमिनेट हो जाता है। अब इन 6 दिन के शेष परीक्षण के बाद मेरा गेम प्ले इतना अपराजय हो चुका था कि लोग मुझसे बच बच के भाग रहे थे। अपनी इन श्रेष्ठ शक्तियों को आपके सामने सिद्ध करने के लिए मैं ऐसी चुनौतियों का सामना करने वाला हूँ जो कि बिल्कुल असंभव है। इन शॉर्ट बोलूं तो मैं बिल्कुल इम्पॉसिबल चैलेंजेस को कंप्लीट करने वाला हूं, जिन्हें कंप्लीट करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन होने वाला है और ये चैलेंजेस मेरे को कोई और नहीं बस आपके फेवरेट क्रिएटर्स देने वाले हैं। जहां पर कि मैं फंटू गेमर, मोनू किंग एंड ड्राकुस भाई सभी से चैलेंज मांग लेता हूं और इंतजार करने लग जाता हूं कि कौन मेरे को सबसे पहले चैलेंज देगा। फाइनली हमको हमारा सबसे पहला चैलेंज मिल गया था जो कि राकुस भाई ने दिया था। राकुस भाई ने चैलेंज दिया था कि जैसे 7 डे कंप्लीट हो जाता उसके बाद वो मेरे साथ 1v1 करेंगे और अभी तो हमारा 7th डे शुरू हुआ था, यानी कि रात के 12 बजे के बाद हम लोग राकुस भाई के साथ कस्टम कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता। लेकिन इतने में ही मोनू भाई का भी रिप्लाई आ जाता है। मोनू भाई का चैलेंज था, हमारे पास 20 अटेम्प्ट है, हम लोग को सिर्फ 20 गेम के अंदर 10 भुया की स्ट्रिक बनानी है, वो भी CS रैंक के अंदर। यार इतने दिनों से मैं BR की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन इन्होंने तो मेरे को CS के चैलेंज दे दिए। वैसे मेरी भी गलती है, मेरे को BR मेंशन करना चाहिए था। खैर मैं अपना बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए लग जाता हूं। जैसे मैं BR के अंदर खेल रहा था वैसे ही मैं CS के अंदर भी खेल पा रहा था। जैसे कि मेरे सामने पहले गेम के अंदर ही एक एनिमी रहता जो कि ओरियन बन गया था, उस एनिमी को मैं बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूं। इतने में मेरा ध्यान जाता है मेरे सामने कुछ एनिमीज थे, उनके ऊपर एम लेके मैं फायर करता रहता हूं। एक एनिमी को मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था और यहां पर डबल किल करके हम लोग इस राउंड को जीत जाते हैं और 4th राउंड के अंदर भी मैंने एनिमीज के ऊपर सीधा रस्सी कर दिया था। यहां पर मेरे सामने एक एनिमी था, उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया लेकिन वो एनिमी ओरियन बन जाता है और यहां पर 2 एनिमी ओरियन बने होते हैं, उनमें से एक एनिमी को फटाफट से हेडशॉट से डाउन करा था एंड एक एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करता है, उसको मेरा टीममेट डाउन कर देता है और इतने में जो हमारे बाकी के रैंडम टीममेट थे वो बाकी एनिमीज को फिनिश कर देते हैं और हम लोग पहला गेम ही जीत जाते हैं। और मैंने पिछले सीजन ही CS के अंदर 3 की स्ट्रीक बना रखी थी तो यहां पर 4 की स्ट्रीक हो गई थी और ये चीज देख के तो मैं और ज्यादा मोटिवेट हो गया। इसी के अगले गेम में मेरे को पीछे से फुटस्टेप आता है तो तासे का यूज करके मैं एक एनिमी के ऊपर रश करता हूं एंड उस एनिमी को पहले बॉडी बॉडी एंड आखिरी में हेडशॉट से डाउन कर दिया था। जैसे फिनिश कर रहा था इसके टीममेट मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देते एंड जैसे मैं हील करता हूं मेरे एक एक करके सारे टीममेट मर चुके थे और मेरे अलावा केवल 2 ही एनिमी बचे थे। एक एनिमी मेरे ठीक सामने था, उस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो एनिमी सामने आता नहीं है। इतने में एक एनिमी पीछे से और आ गया था, तासे का यूज करके उसी एनिमी की तरफ बढ़ता हूं एंड उस एनिमी को बहुत ही इजीली 1 टैप से डाउन कर देता हूं। और अब आखिरी वाले एनिमी को भी अगर मैं हेडशॉट मार देता तो यहां पर मेरे हेडशॉट से ट्रिपल किल हो जाते, लेकिन इतने में आखिरी वाले एनिमी ने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था तो मैं हील करके पहले तो जोन के अंदर जाता हूं और अब जोन के अंदर आखिरी वाला एनिमी मेरा इंतजार कर रहा था। मैं फटाफट से एनिमी की तरफ ही बढ़ता हूं। अब एकदम से एनिमी मेरे सामने आ गया था, पहले तो एक ग्लोअर लगाता हूं एंड एनिमी पीक दे ही रहा था, उस एनिमी को M41 से बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार देता हूं और यहां पर हमारा हेडशॉट से ट्रिपल किल भी हो गया था। जैसे मैं BR के अंदर हेडशॉट मार रहा था वैसे मैं CS के अंदर भी मार पा रहा था, लेकिन दिक्कत यहां पर यही हो रही थी कि मेरे रैंडम टीममेट मर जा रहे थे तो मेरे को भी एनिमी मार दे रहे थे। जैसे कि इसके अगले राउंड के अंदर ही देखो यहां पर एक एक करके मेरे सारे रैंडम टीममेट मर गए थे और मेरे सामने खाली 2 ही एनिमी बचे थे और ये एनिमी सही में शुरू से बहुत बढ़िया खेल रहे थे। यहां पर हम लोग 3 राउंड हारे हुए थे, अगर मैं कोई छोटी सी भी गलती करता तो यहां पर हमारी पूरी स्ट्रिक एक बारी में चली जाती, इसलिए यहां से पूरी रोटेशन लेके मैं जोन के अंदर जाने की सोच ही रहा था। मेरे सामने से एक एनिमी आता है, उसको 1 टैप मारने की कोशिश तो करता रहता हूं लेकिन वो बच जाता है। इतने में दूसरा एनिमी भी आ गया था, उसको भी मैंने मारने की कोशिश करी लेकिन उसको थोड़ा बहुत बॉडी शॉट से डैमेज आया था। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों एनिमीज मिलकर मेरे पे रश करने लगे, मेरे को तो लगा यहां पर स्ट्रिक
ट्रिक अब तो गई। एक एनिमी डैमेज देने की कोशिश करता है लेकिन मैं ग्लू वॉल के अंदर छुपा रहता हूँ एंड एकदम से ये एनिमी मेरे पास में आ चुके थे। मैं ताक्षक का यूज करके पहले थोड़ा दूर भागता रहता हूँ, उन्होंने मेरे को डैमेज दे देता, फटाफट से मैं यहाँ पर हील करने लगा था। इतने में एक एनिमी रस कर रहा था, उस एनिमी को बॉडी एंड हेड से डाउन कर दिया था और बिना टाइम वेस्ट करे मैंने फटाफट से इस एनिमी को तो फिनिश कर दिया था और आखिरी वाला एनिमी पता नहीं कहां पर चला गया। जैसे ही हील कर रहा था मेरे को मालूम पड़ जाता है आखिरी वाला एनिमी सामने से रस कर रहा था। उस एनिमी को मैंने वन टाइम मार के यहाँ पर इन एनिमीज का काम तमाम कर दिया था और अपनी स्ट्रिक को मिट्टी में मिलने से बचा लिया। अब 3-3 का स्कोर हो चुका था और रैंडम टीममेट बहुत बेकार खेल रहे थे तो इसलिए थोड़ा पीछे छुपा हुआ था। एक एनिमी टीममेट को डैमेज दे रहा था तो फटाफट से उसी एनिमी के हेड पे एम लेके फायर करता रहता हूं। पहले बॉडी एंड हेड से डाउन हो जाता है, टॉप शॉट का यूज करके अपना किल फिनिश करने जा रहा था। इतने में एक एनिमी डैमेज देता था, फटाफट से ग्लू वॉल लाके इसी एनिमी को मारने की कोशिश करता हूं। ये एनिमी नीचे कूद गया था और नीचे कूदने के बाद पता नहीं है क्या सोचने लग जाता है, इस एनिमी को बहुत ही इजीली हेड से डाउन कर देता। अब बस आखिरी का एक एनिमी बचा था, फटाफट से उसी की तरफ रश करते हैं, बॉडी से उस एनिमी को भी फिनिश करता हूं। यहां पर मेरा ट्रिपल किल हो जाता है और ये गेम भी हमारा हो जाता है बुइया, जिसके बाद हम लोग प्लैटिनम 3 पे पहुंच जाते हैं और हमारी 5 बुइया की स्ट्रिक भी लग गई थी। इसी के अगले गेम में अपने रैंडम टीममेट को रिवाइव करके पीछे की साइड जा ही रहा था, एक एनिमी रश कर रहा था तो उस एनिमी को बहुत ही इजीली वुडपैकर से हेडशॉट से डाउन कर देता। अब हील करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ाई था, एक और एनिमी था उस एनिमी को भी मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था। अब बाकी एनिमीज को रैंडम टीममेट फिनिश कर देते हैं। इस राउंड को हम लोग जीत तो गए थे लेकिन ये वाला गेम भी खत्म आ गया। आखिर में जाके हमारे 3-3 का स्कोर हो रखा था। मिल वाला राउंड था, एक एनिमी सिलेंडर के पीछे छुपा हुआ था, उस एनिमी को मैंने वन टैप मार दिया था। अब हील करने के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ ही रहा था, एक एनिमी और नजर आता है, उस एनिमी को भी मैं हेडशॉट से डाउन कर देता हूं। अब आखिरी का एक एनिमी बचा था जो कि मेरे सामने था, उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया था लेकिन वो बार बार ग्लू वॉल लाके बच जा रहा था। अब यहाँ पर जोन भी आने वाला था, उसी एनिमी का इंतजार करता रहता हूं और जैसी एनिमी जोन के लिए निकलता है उस एनिमी को भी मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। यहाँ पर हमारे ट्रिपल किल हो गए थे। कसम से अगर रैंडम टीममेट किल ना करे ना तो यहाँ पर मैं क्वाड्रा किल भी कर सकता था। अब ये वाला गेम भी हम लोग जीत गए थे, जिसके बाद हमारी पूरी 6 बुइया की स्ट्रिक हो चुकी थी। इसी का अगला गेम भी बहुत ही आसानी से हम लोग 4-2 के स्कोर से जीत गए थे, जिसके बाद हमारी 7 बुइया की स्ट्रिक हो गई थी। अब तो रैंडम टीममेट भी बहुत ही बढ़िया आने लगे थे इसलिए अगला गेम भी हम लोग बहुत ही आसानी से जीत गए थे, जहाँ पर 8 बुइया की स्ट्रिक हो गई थी। इतनी जल्दी जल्दी स्ट्रिक बन रही थी, मैंने स्ट्रिक को सीरियस लेना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, हम लोग लगातार 3 राउंड हारे हुए थे और 4th राउंड में क्या होता है कि मेरे रैंडम टीममेट पे कुछ एनिमीज रश कर रहे होते, फटाफट से ताशो का यूज करके अपने टीममेट को बचाने गया था लेकिन उल्टा मुझे डैमेज पड़ गया था। मैं पहले हील करता हूं, हील कर रहा था, इतने में एक एनिमी मेरे टीममेट पे रश करके उसको डाउन कर दिया था लेकिन मैंने उस एनिमी को भी डाउन कर दिया था। अपने टीममेट को रिवाइव करने जा ही रहा था, जैसे ही रिवाइव करने पहुंचा, रिवाइव करने से पहले मैं अपना किल कंफर्म कर रहा था, इतने सामने से एक और एनिमी आ गया था। उस एनिमी को मैं डाउन तो कर देता हूं लेकिन उल्टा मैं खुद भी डाउन हो जाता हूं। अब बस सामने एक ही एनिमी बचा था और हमारे 2 रैंडम टीममेट बचे हुए थे और जाहिर सी बात है ये गेम तो हम लोग ही जीतने वाले थे। जब भी हम लोग को क्वाड्रा किल करने हो तब तो रैंडम टीममेट बहुत ही बढ़िया तरीके से किल करते हैं और कभी कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन आए तब देखो क्या करते हैं। अब एक टीममेट तो डाउन हो ही गया था और अब आखिरी का एक ही टीममेट बचा था, वो पता नहीं भाई फुल कंट्रोल में खेल रहा था। वो बंदा मेडिट से उनकी पूरी 10 गोली चलाता है लेकिन एक भी गोली एनिमी को जाके कनेक्ट नहीं होती है, तो क्या होना था, एनिमी हमारे टीममेट को तोड़ देता है और यहाँ पर सिर्फ हमारा टीममेट ही नहीं टूटा था, हमारी भाई इतनी मेहनत से बनी बनाई स्ट्रिक भी टूट गई। इसके बाद तो मेरा बिल्कुल मूड खराब हो गया था क्योंकि स्ट्रिक को अब हम लोग को वापस से 0 से बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या होता है, फंटू भाई का भी रिप्लाई आ जाता है। फंटू भाई ने मेरे को चैलेंज दिया कि सीएस रैंक के अंदर मेरे को केवल AWM से 3 एस करने हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि पीसी के अंदर मेरे को स्नाइपर चलानी नहीं आती है। मेरे बिना कुछ कहे फंटू भाई ने मेरे को एक और चैलेंज दे दिया, ये भी सीएस रैंक का चैलेंज था जहाँ पर मेरे को 2 एस करने थे, वो भी डेजर्ट ईगल के हेडशॉट से। अभी तक मुझे लग रहा था ये चैलेंज बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा कर लेगा, जब तक फंटू भाई ने मेरे को ये नहीं बताया कि ये 2 एस मेरे को खाली एक ही गेम के अंदर करने हैं। अब रैंडम टीममेट के साथ तो 1 एस करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो लोग किल चोरी कर लेते हैं, 2 एस करना तो भूल ही जाओ। इसलिए मैं अपनी स्क्वाड को बुला लेता हूं एंड अब मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करना शुरू करता हूं। और चैलेंज को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं 7 डे वो वाला दिन था जिस दिन हमारी सीएस की नई रैंक आने वाली थी और बिल्कुल सुबह सुबह थोड़े बहुत गेम खेल के जैसे मैं बाद में आता हूं तो हमारी नई रैंक भी आ चुकी थी। जैसे मैं गेम के अंदर गया था ना जाने क्यों मेरे गेम के अंदर पूरे बोट आ रहे थे, उन बोट को मार के मैं बहुत ही इजीली कुछ गेम तो बुया कर लेता हूं, जिसके बाद मैं फंटू भाई का चैलेंज कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी स्क्वाड को बुला लेता हूं। अब हम लोग पहला राउंड तो जीत गए थे लेकिन जैसे दूसरा राउंड था मेरे को मालूम पड़ता है इस गेम के अंदर तो डेजर्ट ईगल आई नहीं है, इसलिए फटाफट से हम लोग तो इस गेम को बुया कर लेते हैं। इसके अगले गेम में फाइनली डेजर्ट ईगल आ गई थी और हम सारे टीममेट एनिमीज की साइड बढ़ रहे थे। पहले एक एनिमी आता है, उसको पहले बॉडी एंड हेडशॉट से उस एनिमी को डाउन कर दिया था। इतने में एक और एनिमी सामने आया था, हमारे टीममेट भी रैंडम टीममेट से कम है क्या, उस एनिमी को ही डाउन कर देते हैं। अब उस एनिमी को वापस से रिवाइव मिल गया था इसलिए मैं एनिमी की साइड जा ही रहा था लेकिन ये सारे के सारे एनिमी वोकंग बन गए थे। इतने में मेरा एक और टीममेट एक और एनिमी को डाउन कर देता है और मेरे पे एक एनिमी रश कर रहा था, उस एनिमी को हेडशॉट मारने की इतनी ज्यादा कोशिश करता हूं, हेड तो लगता नहीं है, वो एनिमी बॉडी शॉट से डाउन हो जाता है और आखिरी का एनिमी बचा था वो भी वोकंग बन गया था। और जैसे ही वो अपने टीममेट को रिवाइव करने आता है मैं उस एनिमी के हेड पे एम लेके उस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश कर देता हूं। अगले गेम में मेरे सामने एक एनिमी रहता है, उस एनिमी को मैंने वन टैप मार दिया था, फिर मेरे सामने एक और एनिमी था जो कि मेरे टीममेट को डैमेज दे रहा था, उस एनिमी को मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था लेकिन एक एनिमी को मेरे टीममेट ने डाउन कर रखा था। कैसे भी करके अब तो हेडशॉट से एस हो ही नहीं सकता था इसलिए आखिरी वाले एनिमी को बॉडी से ही फिनिश कर देता हूं। अब इसके अगले राउंड में मेरे पीछे से एक एनिमी वोकिंग बन के आ रहा था, उस एनिमी को मैंने फटाफट से हेडशॉट से डाउन कर
कर दिया था। मेरे सामने एक और एनिमी था लेकिन वो मेरे हाथों से बच जाता है। अब जोन के अंदर आके हील कर ही रहा था, एक एनिमी मेरे टीममेट के ऊपर रश करने की सोच रहा था। उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली वन टैप मार दिया था। अब इस गेम के अंदर भी एक एनिमी को मेरे टीममेट ने ऑलरेडी डाउन किया हुआ था और यहाँ पर आखिरी वाला एनिमी तो जोन से एलिमिनेट होने वाला था। हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये एनिमी तो बॉडी शॉट से फिनिश हो जाता है। इस गेम में तो मैं अपनी पूरी स्क्वाड लेके आया था तभी ढंग से एक एस नहीं कर पाया। हम लोग इस गेम को जीत गए थे और जैसे मैं बैक करता हूँ मेरे को मालूम पड़ता है हमारी पूरी पांच भैया की स्ट्रीक बन चुकी है, यानी कि मोनू भाई का चैलेंज अभी भी कंप्लीट हो सकता है। फिर हम लोग अगला गेम भी जीत गए थे जहाँ पर हमारी छह भैया की स्ट्रीक हो गई थी और अब जिस भी गेम के अंदर डेजर्ट ईगल नहीं आती थी वहाँ पर मैं अपनी फेवरेट गन्स का यूज करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से किल करा करता था और मैं अपनी पूरी स्क्वाड के साथ खेल रहा था तो गेम जीतने में बहुत ही आसानी हो रही थी। अब हम लोग छह स्ट्रीक भी कंप्लीट कर लेते हैं और जिन भी गेम के अंदर डेजर्ट ईगल आ रही थी वहाँ पर तो मैं डेजर्ट ईगल से क्वार्टर किल करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता था। मेरे सारे टीममेट फिनिश हो रखे थे, मेरे पीछे एक एनिमी पड़ा हुआ था, उस एनिमी को क्या ही हेडशॉट तो मारता हूं लेकिन अब इसको हेडशॉट मारने का क्या ही फायदा। जैसे इसको मैं फिनिश कर रहा था यहाँ पर मेरे पीछे दो दो एनिमी और आ चुके थे और ये दोनों एनिमी मेरे को दौड़ा दौड़ा के इतनी गंदी तरीके से मारते हैं अब क्या ही बोलूं। और ना जाने आगे चल के ये लोग ऑफलाइन भी हो गए थे। मैं एक एनिमी को बॉडी शॉट मारता हूं, फिर एक एनिमी को हेडशॉट मारता हूं, एक एनिमी को और हेड मारता हूं और इनका आखिरी टीममेट ऑनलाइन था और वो बहुत ही बढ़िया खेला था लेकिन उसको भी आखिरी में चल के मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। ऑफलाइन प्लेयर के अंदर एस करा वहां पर भी मैं चारों बंदों को हेडशॉट नहीं मार पाया। खैर कोई ना, अब हमारी पूरी सात भुया की स्ट्रिक भी हो चुकी थी। इसी के बाद प्लेटिनम 4 पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आठ भुया की स्ट्रिक भी हो जाती है। वापस से गेम के अंदर डेजर्ट ईगल आई थी और यहाँ पर भी एस करने की कोशिश करने वाला था। एक एनिमी को इतनी बढ़िया तरीके से हेडशॉट से सोनिया बना भी दिया था एंड आगे चल के उस एनिमी को फिनिश भी कर दिया था। मेरे सारे टीममेट फिनिश हो गए थे और ये सारे के सारे एनिमीज मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। इनमें से एक एनिमी को मैंने वन टैप तो मार दिया था लेकिन यार बाकी के एनिमी मिलके मेरे को मार देते हैं। इस गेम में इन लोगों ने तीन तीन का स्कोर कर लिया था इसलिए मैंने अपनी फेवरेट वुडपेकर ले रखी थी। जैसी एनिमी सामने आया उसको सीधा वन टैप मारा। आगे चल के एक और एनिमी को हेडशॉट और आखिरी वाला एनिमी ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके हेड पे एम लिया ही था लेकिन इतने में मेरा टीममेट उस एनिमी को फिनिश कर देता है। इस गेम के बाद हमारी नौ भैया की स्ट्रिक होने वाली थी, यानी कि हम लोग मोनू भाई के चैलेंज को कंप्लीट करने के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे। नौ की स्ट्रिक भी हो जाती है इसके बाद फाइनली हम लोगों ने अगला गेम भी जीत लिया था जहां पर हमारी 10 भैया की स्ट्रिक हो गई थी। यानी कि मोनू भाई का चैलेंज तो कंप्लीट हो गया था लेकिन अभी तक मैं फन टू भाई का चैलेंज कंप्लीट कर ही नहीं पाया था। इसके बाद मैं यूट्यूब पर देखता हूं तो आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को चैलेंज दिया हुआ था, मेरे को सीएस के अंदर पीसी से हीरोइक पर जाना है। फन टू भाई का चैलेंज तो देखो मेरे से हो नहीं पा रहा तो मैं इसी चैलेंज को कंप्लीट करना शुरू कर देता। मैंने बहुत सारे रैंडम टीममेट्स के साथ भी गेम खेलते लेकिन मैं हर एक गेम जीतता जा रहा था और रैंक पुश के बीच में कुछ कुछ इतनी बढ़िया बढ़िया क्लचेस निकल जा रहे थे जिनको देखने के बाद तो बिल्कुल अलग ही मजा आता है। जैसे कि इस गेम के अंदर देखो अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, यहां पर मेरे सामने एक एनिमी था उसको पहले एक बॉडी के अंदर डाउन कर देता हूं। इतने पीछे से एक और एनिमी आ गया था, इसको वन टैप मारने की बहुत देर तक कोशिश करता हूं लेकिन फाइनली इसको भी मैंने वन टैप से डाउन कर दिया था। हील करके थोड़ा बहुत आगे आया था कि मेरे सामने एक एनिमी रहता जो कि वुडन बॉक्स के पीछे छुपा हुआ था, उसके हेड पे एम लेके उस एनिमी को भी डाउन कर देता हूँ। अब बस आखिरी का ही एक एनिमी बचा था और ये लड़की वुडन हाउस के अंदर छुपी रहती है। जैसी जोन आता है ये लड़की बाहर आती है और इसको मैं मारने की कोशिश करता रहता हूँ एंड फिर क्या होता है आप लोग खुद ही देखो। अब इसी के बाद एक गेम में हैंगर वाला राउंड आया हुआ था और तापसे का यूज करके सीधा आगे जाता हूँ, सामने से एनिमी आ रहे होते हैं और उनके ऊपर सीधा फायर करता हूँ। यहाँ पर दो एनिमी एक साथ हेडशॉट से डाउन हो गए थे। पहले तो अपना एक किल फिनिश करता हूँ और थोड़ा बहुत आगे बढ़ाई था, एक और एनिमी सामने आता है, उस एनिमी को पहले बॉडी एंड हेडशॉट से मैंने डाउन कर दिया था। अब बस आखिरी का ही एक एनिमी बचा था, मुझे लग ही रहा था वो एनिमी पीछे होगा और जैसे मैं पीछे जाता हूँ यहाँ पर वो एनिमी ऑफलाइन खड़ा था, उस एनिमी को भी हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्वाड्रा किल हो जाता है और पूरे दिन खेलने के बाद फाइनली हम लोग हीरोइक को भी अचीव कर लेते हैं। इसी की इस सेटिंग से हेडशॉट मारने में बहुत परेशानी हो रही थी जिस वजह से मैं फन टू भाई का चैलेंज भी कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मैं राकुश भाई से कस्टम करने से पहले अपनी सेटिंग को बिल्कुल बढ़िया बनाना चाहता था। हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं लालच बुरी बला है और लालच में आके मैंने अपनी सेंसिटिविटी किसी और यूट्यूबर की देख के चेंज कर ली। अब मुझे नई सेटिंग पे खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर ही रहा था लेकिन इतने में ही राकुश भाई मेरे को गेम के अंदर बुला लेते हैं। वैसे चिंता वाली कोई बात नहीं थी, मेरे को मालूम था मेरे पास पीसी है और राकुश भाई तो फोन में खेलेंगे, मेरे को कैसे ही हरा देंगे। राकुश भाई के साथ मेरा कस्टम होता है, पहले राउंड के अंदर मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से वन टैप मारते और दूसरे राउंड के अंदर भी मेरे को निकलते के साथ ही दिया और तीसरे राउंड के अंदर भी राकुश भाई ने मेरे को वन टैप मार दिया था। राकुश भाई को लग रहा था वो 4-0 से जीत जाएंगे लेकिन इस सेटिंग के बदौलत मैं इस गेम को 4-0 से जीत जाता हूँ। अब तुम बोलोगे ये स्कोर गलत क्यों दिखा रहा है यार, ये तो गेम में कोई ग्लिच वगैरह है जिसकी वजह से यार एक गलत दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है, मैं 4-0 से जीता हूँ। वैसे सच तो आप सभी लोग को मालूम पड़ चुका है कि मैं 4-0 से हार गया। खैर अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की सेंसिटिविटी चेक करके आप लोग को बताऊं कि कौन सी सेंसिटिविटी हमारे पीसी के लिए बेस्ट है तो जो भी लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हैं कमेंट सेशन के अंदर सेटिंग जरूर से लिख देना और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब ये वीडियो थोड़ी बहुत तो आपको पसंद आई रही होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और क्या मतलब आप लोगों ने इस वीडियो का अभी तक पहला पार्ट देखा ही नहीं है, लिटरली आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो स्क्रीन पर यहाँ पर टैप करके आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो।